प्रूफ मांगा गया और बैंक का खाता पैन कार्ड आप फोटो दीजिए। किस कंपनी का लोन मिलेगा आपको? किस कंपनी का हमको नहीं बताया, वो भी नहीं बताया गया है जो किस कंपनी का लोन मिलेगा। हाँ, बोला कि मोदी योजना का देंगे। उसका कोई फॉर्म वगैरह दिए हैं? कोई रिसीविंग मिला है? कोई रिसीविंग नहीं मिला है। फर्जी चिटफंड कंपनी के द्वारा लोन दिलाने के नाम पर सैकड़ों महिलाओं से लिया दस्तावेज। मुजफ्फरपुर जिले की कुंडली प्रखंड अंतर्गत पकाही पंचायत के बागी फुटबॉल मैदान में एक कंपनी के द्वारा एक मीटिंग बुलाई गई, जिसमें लोन दिलाने के नाम पर सैकड़ों महिलाओं से आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक, दो फोटो व मोबाइल नंबर जमा कराया गया। जब वहां पहुंची महिलाओं ने कंपनी के चेयरमैन मुफीजुर रहमान, जो अपने आप को चेयरमैन बताता था, उससे पूछा गया कि किस कंपनी का लोन दिया जा रहा है, तो वो चेयरमैन मुफीजुर रहमान ने कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पा रहा था। साथ ही वहां पहुंचे सभी महिलाओं से कह रहा था कि यह मोदी सरकार की मान्यता प्राप्त कंपनी है, आपको सभी जरूरी कागजात जमा करना है और इसके ठीक 11वें दिन बाद आपके खाते में पैसा ट्रांसफर होकर चला जाएगा। यह बात सुनते ही वहां के कुछ बुद्धिजीवी लोग व मुखिया प्रतिनिधि चुनीलाल शाह सहित कई लोग मौके पर पहुंचकर वहां पहुंचे महिलाओं से लोन इस कंपनी के विषय में जानकारी ली। जब वहां स्थित महिलाओं द्वारा संतोषजनक जवाब न मिलने पर मनियारी थाना पुलिस को सूचना दी गई। सूचना पाकर मौके पर पहुंची मनियारा थाना की पुलिस SI अरविंद कुमार गिरे सशस्त्र बल के साथ मौके पर पहुंचकर चेयरमैन मुफीजुर रहमान से पूछताछ की। हालांकि इस क्रम में वहां पहुंचे कुछ महिलाओं ने विरोध भी किया, फिर थाना पुलिस को समझाने के बाद महिलाएं शांत हुई। तत्पश्चात चेयरमैन मुफीजुर रहमान को पूछताछ के लिए अपने साथ थाने ले गए। वह इस मामले की पकाही पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि चुन्नीलाल शाह ने बताया कि इस लोन कंपनी के विषय में हम लोगों को कोई जानकारी नहीं है, जब यहां भीड़ इकट्ठा देखे तो महिलाओं से हमने पूछताछ की तो महिलाओं ने बताया कि किस कंपनी का लोन है, यह हम लोगों को नहीं मालूम है। सिर्फ हम लोगों को कहा गया है कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक, फोटो व मोबाइल नंबर जमा करना है, जो 5,000 से 50,00,000 तक का लोन मिलेगा। जब महिलाओं की बात से जनप्रतिनिधि व बुद्धिजीवी लोग संतुष्ट नहीं हुए तो फिर मनियारी थाने को सूचना दिया गया। वही उसका पहचान मुफीजुर रहमान ग्राम सराय अफजल थाना गोरौल जिला वैशाली के रूप में किया गया है। देखिए, अभी थोड़ी देर पहले, अभी 2 घंटा पहले हम तो अपने पंचायत में थे नहीं, हम किसी काम के वजह से यहाँ से ब्लॉक निकले हुए थे। इसी क्रम में हमें कॉल आया कि बागी फील्ड में बहुत सारे महिलाओं का जमावड़ा लगा हुआ है, पता नहीं, तो हमने अपना आदमी भेजा वहाँ पे, पता करवाया कि क्या किस चीज़ का भीड़ लगा हुआ है। तो उन्होंने बताया कि कोई लोन कंपनी वाली कंपनी है और वो लोन के लिए लोगों को बुलाया है कि यहाँ पे लोन दिया जाएगा। तो जब उन्होंने बताया तो फिर हमने कहा कि ऐसा तो कुछ कोई प्रपोजल ही नहीं होता है सरकार के द्वारा, या फिर हम लोग को किसी प्रकार का कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि आपके पंचायत में शिविर लगाया जाएगा। लमसम वहाँ पे लगभग 500 से ऊपर लोगों का जमावड़ा लगा हुआ था। इस न्यूज के प्रस्तुत करता है सिटी सेंटर द कंप्लीट मल्टी ब्रांड मेंस वेयर शोरूम सुभाष चौक दरभंगा। ली एक्सक्लूसिव शोरूम सुभाष चौक और दैनिक ओमी टाइम्स न्यूज़पेपर दरभंगा।